हेलो नमस्ते आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और आज मैं आपसे जुड़ रही हूँ इलेक्शन कमीशन के ऑफिस से। सिविल सोसाइटी के मेंबर्स अंजलि भारद्वाज, अमृता, शबनम हाशमी और अशोक शर्मा जी, वो सब आज इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में आए थे एक पिटिशन देने के लिए, ऑनलाइन पिटिशन जो कि उन्होंने शुरू किया था, जिसे 4000 लोगों ने साइन किया। इस पिटिशन में एक ही डिमांड था खास तौर पे कि वोट्स पोल का जो डेटा है उसको एब्सोल्यूट नंबर में इलेक्शन कमीशन को जारी करना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इस पर्टिकुलर डेटा को वो पब्लिक करें और जो फॉर्म 17C है जिसमें वोट्स पोल डेटा का नंबर होता है उसे भी पब्लिक किया जाए। तो इन सब जानकारी के साथ और इस पिटिशन के साथ वो आज इलेक्शन कमीशन आए ताकि वो मिल सके चीफ इलेक्शन कमिश्नर से और बाकी के सीनियर ऑफिसर्स से। तो जब वो यहाँ पर आए करीब 4 बजे, उन्हें पहली बार तो अंदर नहीं जाने दिया, उन्हें कहा गया कि जाके आप रिसेप्शन से अपॉइंटमेंट लें। जब वो रिसेप्शन में गए तो उन्हें बोला गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बिजी हैं बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स के साथ मीटिंग में। तो उन्होंने कहा कि क्या वो किसी और सीनियर ऑफिसर से मिलकर वो पेटिशन की कॉपी दे सकते हैं, तो उन्हें बोला गया कि वो वेट करें। तो करीब आधा से पौना घंटा वेट करने के बाद उन्हें कहा गया कि वो भी बिजी हैं और उनसे मुलाकात नहीं हो सकती। उसके बाद जब सिविल सोसाइटी के मेंबर्स वहां से उस पिटिशन की रिसीविंग लेने के लिए कि एटलीस्ट इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में ये जमा हो जाए कि हाँ इतने सारे लोगों ने साइन किया है और ये डिमांड रखी है फेयर इलेक्शन के लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल उठे हैं वोट्स पोल के डेटा के ऊपर, तो क्या ये पिटिशन एटलीस्ट रिसीविंग उसकी मिल सकती है। तो उसके लिए भी पहले तो 5 मेंबर्स को अंदर नहीं जाने दिया गया और बाद में उन्होंने सिक्योरिटी जो यहाँ पर अफसर थे सिक्योरिटी में, उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 इंसान अंदर जा सकते हैं और उसको जाकर जमा करके उसकी रिसीविंग ले सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इतना सारा एफर्ट हुआ यहाँ पर एक मीटिंग के लिए, बट वो भी अनसक्सेसफुल रहा। इसके अलावा ये भी बता दूं कि इस पर्टिकुलर मुद्दे को अब सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा 17 तारीख को। तो आप समझ सकते हैं ये जो मुद्दा है और ये मुद्दा वोट्स पोल डेटा के एब्सोल्यूट नंबर को लेकर है, उसको लेकर इसलिए इतने सारे सवाल उठ रहे हैं क्योंकि उस पर शक हुआ जा रहा है कि आखिर वो परसेंटेज पे क्यों डेटा रिलीज करें ना कि नंबर्स पे। जब तक वो डेटा नंबर में नहीं आएगा वो हम कैसे टैली करेंगे कि जितने वोट गिने गए हैं उतने ही वोट डाले गए थे। तो इसलिए ये नंबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और 17 मई को ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में आएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस मैटर को जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है वो इस पर पूरी तरह चुप्पी साधे हुआ, वो किसी भी सिविल सोसाइटी मेंबर या जर्नलिस्ट के सवालों का जवाब नहीं दे रहा। वो दे रहा है तो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के सवालों का, और उन्होंने दिया है प्रेसिडेंट कांग्रेस के प्रेसिडेंट के सवाल का जवाब कि हाँ भाई आपको तो 17C का फॉर्म दिया जाता है, आपके पोलिंग एजेंट्स को दिया जाता है, तो आप उससे कैलकुलेट कर लें। लेकिन कैलकुलेट वो तो कर लेंगे, हमारा क्या, जनता का क्या? तो ये सारे सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं, बार बार खड़े हो रहे हैं और सिविल सोसाइटी मेंबर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस पर पूरी मेहनत करने के बाद भी उन्हें मुलाकात करने नहीं दिया गया और बोला गया कि वो सब बिजी है और यहाँ पर मीटिंग नहीं हो सकती। हालांकि उन्हें इस चीज़ पर रिसीविंग ज़रूर मिल गई है इलेक्शन कमीशन से, उन्होंने इस पिटिशन को जमा दे दिया है। उम्मीद ही कर सकते हैं कि उस पर कुछ होगा, कुछ कार्रवाई करेगी इलेक्शन कमीशन, इस मुद्दे पर सोचेगी। लेकिन फिलहाल तो बस इतना ही है कि इस पिटिशन को इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक पहुंचा दिया गया है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एक्सप्लेनर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।